चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीजें जो है वो ये है, फॉर्मूले। ठीक है, सो क्या क्या है। सो पहला वाला था वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक फॉर्मूला था, याद है किसी को? है ना, इसमें यू मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी चीज का स्टार्टिंग का वेलोसिटी। वी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, जो धक्का मारने के बाद जो उसका नया वेलोसिटी होगा वो। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, और खुद एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला था, याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी हमने स्पीड बढ़ाई कम की, वेलोसिटी बढ़ाई कम की, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। तीन तरीके का एक्सेलरेशन होता था, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये तीन तरीके का एक्सेलरेशन होता था। जीरो मतलब क्या, स्पीड मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जीरो, अगर वेलोसिटी बढ़ाई तो पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी कम की तो नेगेटिव। ओके, वेलोसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी तो जीरो एक्सेलरेशन, नॉर्मल अपना गाड़ी का हिसाब। ठीक है, ओके। टाइम क्या था, टी, टी मतलब क्या था, टाइम। ठीक है, फिर हम लोग ने इसके यूनिट्स भी देखे थे, अगर किसी को याद हो तो। वेलोसिटी किसमें नापते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड में नापते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन किसमें नापा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है। टाइम किसमें नापते हैं, सेकंड्स में। ठीक है, सो ये कुछ टॉपिक्स हम लोग ने किया था। ओके ठीक है, सो ये कहाँ से लिया हम लोग ने, फ्रॉम चैप्टर 1, काइनामेटिकल इक्वेशंस। ओके ठीक है, सो अब ये चैप्टर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को ये काइनामेटिकल इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, तो इसको, इस काइनामेटिकल इक्वेशन को कुछ बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ओके ठीक है, ये एक्चुअली कब यूज करते हैं हम लोग, अगर हम लोग को किसी चीज का वेलोसिटी निकालना है और टाइम पता हो, मतलब किस किस टाइम पे कहाँ कहाँ पे उसका कितना वेलोसिटी था ये पता हो। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हो तो फाइनल निकाल सकते हैं, फाइनल दिया हो तो इनिशियल निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोलेंगे, राइट। ये हम लोग डिराइव करेंगे अलग से, सेपरेटली। ठीक है, जितने नए बच्चे हैं, ओके, जितने नए बच्चे हैं यहाँ पे अभी अभी जो ज्वाइनीज है, न्यू ज्वाइनीज, ठीक है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जाके आपको पुराना सेशंस जो हम लोग ने लिया था उसका वीडियो आपको देखना है। ठीक है, ओके, सो शाम तक आई विल पोस्ट दोज लेक्चर वीडियोस इन यूट्यूब, आपको वो देखना है। ठीक है, कल तक देख लो, आज शाम को लेक्चर के बाद मैं अपलोड कर लूँगा, कल तक आप प्लीज़ देख लो। ठीक है, या परसों तक देख लो, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, तो हम लोग ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, और जब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग का जितना भी पढ़ाया है वो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। सो लेक्चर वीडियोस जो है वो अपलोडेड रहेंगे। ठीक है, तो देखना है, डन। फिर आगे बढ़ते हैं, और सेकेंड इक्वेशन जो हम लोग ने देखा था, ठीक है, सेकेंड काइनामेटिकल इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इसमें ए मतलब एक्सेलरेशन है, टी मतलब टाइम है, ये एस क्या है यार, किसी को याद है ये एस क्या, एस क्या है, एस क्या था, याद है किसी को? नए बच्चों को नहीं पूछ रहा हूँ, ऑफकोर्स उन्होंने नहीं देखा है, पुराने बच्चे बोलो फटाफट, एस क्या है? हाँ, कैवल्या, ऐश्वर्या, वैष्णवी, वेरी गुड। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्रिश, गुड, नाइस, डिस्प्लेसमेंट। और याद है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाते कब, लीनियर मोशन रहेगा तब,
एक अगर सीधी लाइन पे गाड़ी चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। अदरवाइज अदरवाइज डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल रास्ता जितना कवर किया हो, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो सीधा लाइन खींचोगे वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तुम गोल 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 7 बार घूमे तो डिस्टेंस क्या होगा, 7 टाइम्स द सरकमफरेंस, गोल गोल 7 बार मतलब 7 टाइम्स द सरकमफरेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि तुम उस जगह से ही निकले। गोल 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 तुम 7 बार घूमे या 1000 बार घूमे, राइट? ओके, 7 बार घूमे या 1000 बार घूमे, आए तो तुम वापस उसी जगह पे, तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिफरेंस ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, स्टार्ट और एंड के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, और डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल में तुमने कितना कवर किया वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और अगर सीधा ऑब्जेक्ट जा रहा है कहीं पे तो डिस्टेंस भी हो सकता है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशन टाइम इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे पोजिशन टाइम। सर पोजिशन क्यों बोला, अरे डिस्टेंस है ना भाई, कौन सी जगह पे जाएगा, राइट? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर एक्सेलरेशन फिक्स है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किस पोजीशन पे वो चीज पहुंचेगी, वो इस इक्वेशन से पता चलता है। इसके लिए इस इक्वेशन को बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, इन तीनों का डेरिवेशन हम लोग करेंगे अलग से, सेपरेटली एक पूरा आर उसके लिए होगा। ठीक है, सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2S, इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशन वेलोसिटी इक्वेशन। देखो इसमें पोजिशन भी है, एस है, और इसमें वेलोसिटी भी है। ओके, सो ये तीन काइनामेटिकल इक्वेशंस हमको चाहिए ताकि हम लोग ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ा सके। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, नोटबुक में बाद में लिख लेना। ओके, या अगर कोई पीसी पे ये यूज कर रहा है तो प्रिंट स्क्रीन कर लो। ओके, या तो अगर नोट कर रहे हो तो फटाफट लिख लो, और हो गया तो चैट में डन लिखो, तो हम लोग आगे जाएंगे। ओके ग्रेट, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज था चैप्टर नंबर 1 से हमने पढ़ा हुआ जो फॉर्मूला काम का है? ओके, वो ये था कि फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, याद है, फादर इज इक्वल टू माँ हमने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फादर इक्वल्स टू माँ। ठीक है, और ये क्या था, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। हम लोग ने एक लॉ पढ़ा था, ओके, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फादर इक्वल्स टू माँ। ठीक है, ये किसी को याद है? इसमें एफ मतलब क्या था, एफ मतलब एक ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी वो। ओके, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है एम, ठीक है, उस पे हमने फोर्स डाली, धक्का मारा एफ, ओके, और ये आगे को खिसका, इसका इनिशियल वेलोसिटी था यू, अब इसको क्योंकि धक्का पड़ा इसका कुछ तो वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, ठीक है, इन टाइम टी। ओके, तो कितना एक्सेलरेशन हुआ, सो सपोज ए एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो जितना मैंने फोर्स लगाया होगा उतना ही तो एक्सीलरेट हुआ होगा। तो ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपने जगह पे है, वो तब तक अपने जगह पे रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये है फर्स्ट लॉ, राइट? अब उतना एक्सेलरेशन होगा जितना फोर्स लगाओगे। ओके, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही एक्सेलरेशन होगा, उतना ही मोमेंटम चेंज होगा, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, ओके, सो पहले के पढ़ाए का सब लेक्चर्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो समझ में आ रहा रहेगा, ये हम लोग ने किया था एफ इक्वल्स टू एम। ओके, ठीक है, अब तीसरा चीज हमको याद रखना है एक और।
अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से नीचे फेंक रहे, देखो पिछले बार भी बताया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे तो उसका यहाँ पे वेलोसिटी क्या होने वाला है? जीरो। क्यों? क्योंकि हमने उसको पकड़ के रखा है ना, करेक्ट। और वी होगा, कुछ तो होगा जो होगा वो। ओके, इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड तो ये गेम खेलेंगे अपन। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, या तो फॉल्स, ओके, फ्री फॉल, ऊपर से जस्ट एक्सेलरेशन कौन दे रहा है उसको? अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। ओके, सो अगर ऐसा केस है, ओके, तो यू कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अच्छा बताओ हाइट क्या होगा? हाइट मतलब एस, ओके, जो बिल्डिंग का हाइट है या जिस हाइट से उसको ऊपर से नीचे फेंका गया वो क्या होगा? एस। ठीक है, अच्छा ए के जगह पे क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन क्या होगा? तो अर्थ का एक्सेलरेशन। ओके, ए के जगह क्या आ जाएगा? जी। जी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये फिक्स होती है। ओके, ये हर एक प्लैनेट के लिए फिक्स होगी। ठीक है, सो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंकोगे तो हमेशा ये तीन चीज याद रखना है। ओके, स्टार्टिंग का वेलोसिटी जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम लोग ने फेंकने से पहले पकड़ के रखा है, राइट। ठीक है, हाइट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट, जितना हाइट रहेगा उतना ही तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। ओके, और एक्सेलरेशन क्या करेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग लिखेंगे अर्थ का ग्रेविटी जी। ठीक है, अच्छा इम्पोर्टेंट, अर्थ का ग्रेविटी हमेशा फिक्स रहेगा, याद रखो। तो मैथ्स में कैसे पाई के जगह पे हम लोग 22/7 लिखते हैं? मैथ्स में पाई के जगह पे अगर नहीं दिया रहेगा तो 22/7 लिखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे जी के जगह पे हम लोग हमेशा लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मतलब क्या? किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंक दो, ओके, और ऊपर से नीचे फेंक दिया तो अर्थ उसको खींचेगा। अर्थ उसको कितने ताकत से खींचेगा, है ना, उसके वेट के हिसाब से। ओके, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट में आते आते उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट में आते आते उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ऐसे नीचे गिरते गिरते उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, राइट। क्यों बढ़ रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। कौन एक्सेलरेशन दे रहा है? अर्थ, ग्रेविटी। सो ए के जगह आएगा अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखो, स्मॉल जी को ग्रेविटी नहीं बोलते, स्मॉल जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एकदम क्लियर रखो। ओके, याद रहेगा। ठीक है, इतना समझा है? इतना समझा है तो डन लिखो, फिर हम लोग केस बी लिखते हैं। ओके, सो केस भी क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, कभी कभी, मतलब अभी तो ये खेलना कम हो गया है, बट हम लोग के टाइम पे हम लोग टेरेस पे खेलते थे। ओके, सो क्रिकेट खेलते थे तो ऊपर से बहुत बार वो बॉल नीचे गिर जाता था, और फिर वो नीचे आते जाते लोगों को हम लोग चिल्लाते थे, ओ दादा, याद है? तुम लोग करते हो ऐसा? पता नहीं। ठीक है, तो हम लोग नीचे चिल्लाते थे, और फिर कोई भी अगर आदमी नीचे से जा रहा है, अगर उसका थ्रो काफी अच्छा है तो हम लोग का मेहनत बच जाता था नीचे जाके बॉल लेके आने का। सो नीचे से वो बॉल को सीधा ऊपर फेंकता था। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंकोगे, या कभी कभी हम लोग कैच कैच खेलते देखे, एकदम थ्रो ऊपर फेंकते हैं हम लोग, राइट। तो पता है क्या होता है? जब हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे कोई ऑब्जेक्ट को, ओके, तो हम लोग उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो देते हैं, मजबूत, बहुत ज्यादा, है ना, राइट।
और जैसे ऊपर ऊपर ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका स्पीड कम होता है कि बढ़ता है, बताओ चैट में। किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंक दूंगा, उसका स्पीड कम होता है कि बढ़ता है? हाँ कम होता है, लेस होता है, सही है। ओके अच्छा, एक बच्चा इंक्रीज भी लिख रहा है, कैसे इंक्रीज होता है? देखो अगर किसी चीज को मैं ऊपर फेंक दूँ, उसका स्पीड कम होता है, कम होता है, कम होता है, और ऊपर जाके उसका स्पीड हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। ओके हाँ अच्छा सॉरी सर, ठीक है। ओके ऊपर जाके उसका स्पीड हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। वो साउथ इंडियन मूवी में हीरो लोग जब फाइटिंग करते तब देखा है? ओके वो ऐसे जंप मारते ऊपर फिर रुक जाते थोड़ी देर के, तो एक्चुअली वो होता है, एक्चुअली वो सही होता है, सिर्फ साउथ इंडियन मूवी में उसको ज्यादा ही दिखा देते, उसको ऊपर ही टंगा देते, बट एक्चुअल फिजिक्स में ये होता है, ऊपर जाके कुछ टाइम के लिए अपना वेलोसिटी जीरो होता है, हम लोग रुकते हैं वहां पे, ठीक है, हम लोग रुकते हैं वहां पे और फिर बाद में हम लोग वापस नीचे आते हैं। ओके सो याद रखो कि किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, ओके तो अंडरस्टैंड दैट व्हाट एवर वेलोसिटी यू गिव इज यू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, बट देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और जब अपन ऊपर पहुंचेंगे तो फाइनल वेलोसिटी होगा जीरो। ओके सो ये याद रखना है। एच के जगह पे क्या होगा? अरे एच के जगह पे हाइट ही होगा ना यार। ए के जगह पे क्या होगा? तो ए के जगह पे जी होगा, ए के जगह पे जी होगा, बट जी हम लोग कैसे लेंगे पता है? नेगेटिव। ओके जी हम लोग कैसे लेंगे? नेगेटिव। ओके नेगेटिव जी मतलब क्या? मतलब हम लोग लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि क्यों सर ऐसा, नेगेटिव क्यों? ओके ठीक है सो याद करो जरा, हम लोग के पहले हम लोग ने कुछ थोड़ा डिस्कशन किया था कि एक्सेलरेशन कितने टाइप का, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो, सही है? ठीक है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। ओके अगर स्पीड बढ़ा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर स्पीड कम हुआ तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जब चीज को ऊपर फेंकेंगे तो स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है ना, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, सबने कम लिखा है ना, राइट? डिक्रीजिंग, बिकॉज डिक्रीजिंग दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? नेगेटिव। ये है रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, फिजिक्स में जब भी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन का बात करेंगे, फिजिक्स में जब भी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन का बात करेंगे हम लोग लेते हैं नेगेटिव। ओके फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, ओके हम लोग के लास्ट टू लास्ट सेशन में हम लोग ने किया था। ओके एक गाड़ी आगे जा रही है और हमने ब्रेक मारी, हमने ब्रेक मारी तो फोर्स किस तरफ लगा? अपोजिट। ओके तो फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे लेते हैं? हमेशा नेगेटिव। ओके अगर राइट साइड में फोर्स लगा रहे हो उसको पॉजिटिव पकड़ रहे हो तो लेफ्ट साइड में जब फोर्स दिखाओगे तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके तभी तो बैलेंस होगा, +5 राइट साइड -5 लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऐसा वाला कंसेप्ट हम लोग ने पहले किया था। ओके सो हमेशा याद रखो दैट फिजिक्स में जब भी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन का बात करेंगे तो वो चीज हमको नेगेटिव लेनी है। ओके और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो डायरेक्शन बेस्ड होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हम लोग का पहला सेशन था, तो ये भी आपको वीडियो देखना है जो लोग एब्सेंट थे या जो लोग अभी जुड़े हैं, राइट? ठीक है सो वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है मतलब डायरेक्शन रिलेटेड जो भी चीज होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी बट वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, राइट? ठीक है ओके एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है सो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, राइट? ठीक है मास, ओके मास मैं 5 किलो का हूँ, 5 kg, ओके तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, तो मैं 5 किलो का ही हूँ। ओके मैं नेगेटिव 5 नहीं हूँ, पॉजिटिव 5 नहीं हूँ, मैं जीरो तो हो ही नहीं सकता,
राइट, ठीक है। सो ये याद रखो, सो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये ऐसा है, अर्थ के ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, इसके लिए ये ऐसा है, ठीक है। तो एक स्नैपशॉट ले लो फटाफट, या जरा सा नोट कर लो, और फिर हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। हो गया तो डन लिखो। अब तीसरा चीज जो मुझे चाहिए, ओके, याद है हम लोग ने वर्क रिलेटेड काफी कुछ पढ़ा था, वर्क तीन तरीके का हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, याद है, ओके। और वर्क का बेसिक फॉर्मूला भी हम लोग ने पढ़ा था, एफ इंटू एस, ये बेसिक है एक्चुअली, वर्क का और एक फॉर्मूला है, सो तो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके, जब तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आ जाएगा तब, ओके। सो बट वर्क का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? एफ इंटू एस। एफ क्या था? फोर्स, ओके, जो उस ऑब्जेक्ट पे लगी, ठीक है। एस क्या था? डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो एक ऑब्जेक्ट है और उस पे मैंने लगाया फोर्स और वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ, ठीक है। सो कितना वर्क किया मैंने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, ये एक है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, वर्क तीन तरीके के हो सकते थे, याद है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ओके। सो पॉजिटिव वर्क क्या था, याद है किसी को? अगर मैंने फोर्स एक डायरेक्शन पे लगाई और उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके, तो पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क क्या था? फोर्स मैंने एक डायरेक्शन पे लगाई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क क्या था? जीरो वर्क दो तरीके के थे, ओके, जहां पे फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट था, एग्जाम्पल ये अर्थ और सैटेलाइट, ओके, सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट होता है परपेंडिकुलर ऐसे, और अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे, परपेंडिकुलर फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, टैंजेंशियल है ना, याद है ना, टैंजेंशियल, टैंजेंशियल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। सैटेलाइट का मूवमेंट क्या होता है? टैंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, और कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब भी जीरो वर्क डन होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं दीवार को धकेल रहा हूँ, दीवार इज नॉट मूविंग, ओके, ये हो सकता है। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर सपोज एक टेबल है, और उस टेबल के ऊपर मैंने कांच का ग्लास रखा है, ओके, और मैंने यहाँ से ऐसा धागा और यहाँ से ऐसे धागा रखा है, और धागे पे मैंने एक वजन लटका है, सपोज नट है, नट, ओके, और ये दोनों भी नट है ना, इक्वल है ये और ये, इक्वल है, ठीक है। सो बताओ, ग्लास मूव होगा कि नहीं होगा, अपने जगह पे रहेगा या मूव होगा, क्या होगा? ग्लास मूव नहीं होगा, है ना, ग्लास मूव नहीं होगा, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, ओके, जगह पे ही रहेगा, ठीक है। सो मेरे को बात बताओ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना ये केस में, तो जीरो वर्क हो गया, सही है ना, ओके, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो वर्क हो गया, करेक्ट है। ये तुम लोग बताते नहीं यार, बहुत कम लोग बताते, गलत है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। चल फिर ये और एक ऐसे ही वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर से टेबल, अपने पास बहुत टेबल है,
जितना मर्जी चाय बना सकते हो। ओके, फिर से ग्लास। ठीक है, ग्लास में कुछ रखा है मैंने, और ग्लास को मैंने धागे से बांधा है, और यहाँ पे है अपना नट, या कुछ भी वेट ले लो, कुछ भी, डजेंट मैटर। ठीक है, और यहाँ में मैंने रखी है एक पेन। ठीक है, सपोज इधर एक पेन है। ओके, मोटा रबर का पेन है, मस्त है एकदम, महंगा वाला, और पेन के ऊपर से धागा जा रहा है। ओके, पेन के ऊपर से धागा जा रहा है। ठीक है, ओके, तो बताओ ये मूव होगा या नहीं होगा? मूव होगा, मूव होगा। ठीक है, मूव होगा। ओके, मूव तो होगा। ओके, बट इसका मूवमेंट देखो ना कैसा होगा। ये पेन जो लगा रहा है वो फोर्स है। ठीक है, पेन एक फोर्स लगा रहा है, किधर? ऐसा। ओके, फोर्स बाय पेन, लेफ्ट साइड। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट किधर, मतलब ग्लास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर। ओके, देयरफोर वर्क डन बाय पेन। ओके, वर्क डन टू स्टॉप बाय द पेन इज नेगेटिव। सही है ना, ये करेक्ट लिखा मैंने, देखो पेन के हिसाब से नेगेटिव है। ओके, इस नट के हिसाब से तो पॉजिटिव है, नट के हिसाब से पॉजिटिव है। याद है मैंने बोला था कि फिजिक्स में चीजें कैसे लेती है हम लोग, एक पर्टिकुलर के हिसाब से, रिलेटिव है ना, जैसे मोशन इज रिलेटिव ऐसा। ओके, फोर्स बाय पेन लेफ्ट साइड में था, लेकिन कांच का ग्लास फिर भी राइट साइड में गया है। ओके, इसको हम लोग ऐसा भी ले सकते कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर होता, फ्रिक्शन होता, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता और ये दूसरे से डायरेक्शन में जा रहा, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? नेगेटिव। अगर सपोज हम लोग वो पेन को यहाँ पे नहीं रखें, ठीक है, फिर से ये कहानी रिपीट। चलो ये थोड़ा सा अलग किस्म का बना लिया मैंने अभी। ये कांच, समथिंग इनसाइड एंड दैट इज पुल्ड बाय अ वेट हियर। ओके, सो बताओ, मूव होगा, ऑफ कोर्स मूव होगा, है ना, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं है, मतलब मूव तो होना ही है। देखो ये फोर्स भी इस तरफ ही खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा वाला वर्क है ये? पॉजिटिव वर्क इज डन। ऐसे ये सबको समझ गया एकदम, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क इस केस में परफेक्टली। स्नैपशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ये कंटेंट याद रखो, ये जो भी तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो बाद में अपने नोटबुक में लिखना है तुमको। ओके, एक बार हाथ से गया तो यू विल रिमेम्बर मोर, है ना, अपना मोटो क्या है, यू शुड रिमेम्बर। ठीक है, जितना भी पढ़ोगे समझोगे, है ना, तो थोड़ा याद रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं याद रहना चाहिए, बस थोड़ा तो रहना ही चाहिए। ओके, सो उससे मेमोरी इंप्रूव होता है, बाद में काम आएगा। ये कंटेंट काम नहीं आएगा, ये जो दिमाग को हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना याद रखने का कोशिश, ओके, ये हम लोग को बाद में काम आएगा। आगे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ मास। ओके, एक मास है 20 किलो का मास है, ठीक है, इसको हम लोग मूव कर रहे हैं। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ मास। ओके, अच्छा कहाँ पे मूव कर रहे हैं पता है, ऊपर लेके जा रहे हैं इसको, ठीक है, या चलो इन लिफ्टिंग अ मास, है ना, लिफ्टिंग ज़्यादा अच्छा वर्ड है, लिफ्टिंग अ मास ऑफ 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 meters। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? हम लोगों को क्या ढूंढने का है, क्या पूछा है? उसने बोला कि वर्क डन टू लिफ्ट। ओके, वर्क डन टू लिफ्ट दैट मास ऑफ 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 meter, और इन्होंने दिया है जी का वैल्यू, दिया है 9.8 m/s², ये दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ ये करें तो कैसे।
तो पहले हम लोग टिपिकल जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, ठीक है, सो आंसर कैसे लिखते हैं मालूम है ना? पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, गिवन क्या क्या दिया है देखो, मास कितना है 20 kg, मैं रॉन्ग करूँ तो मेरे को बताना, ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम लोग, एक जगह से उसको लिफ्ट कर रहे हैं, एक जगह से हम लोग उसको लिफ्ट कर रहे हैं, सो जब भी हम लोग ऊपर लिफ्ट करेंगे, ओके, अपवर्ड है ना, तो याद है ना हाइट, ओके, हाइट क्या हो जाएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट, सही है ना, ओके, एस क्या हो जाएगा अपना, हाइट कितना है 10 मीटर, देखो क्या सही लिखा मैंने, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट ही तो है, ओके, उस ऑब्जेक्ट को नीचे से उतने हाइट तक लेके जाना, मतलब डिस्प्लेस किया ना तुमने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके गए तुम, ओके, अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है, बताओ जी का वैल्यू माइनस लू या प्लस लू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद करो थोड़ी देर पहले हम लोग ने किया था, सब लोग बोलेंगे हाँ, ओके, सबका रिप्लाई आना चाहिए, सोचो जरा फटाफट और मेरे को बोलो कि जी का वैल्यू 9.8 लू के -9.8 लू, ओके, चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं हम लोग, तो पॉजिटिव लेने का कि नेगेटिव, बढ़ेगा कि कम होगा, नीचे से ऊपर अगर फेंकूंगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा है ना, कम होगा, सो नेगेटिव लेंगे हम लोग, ठीक है, सो नेगेटिव -9.8 m/s², क्वेश्चन में नहीं दिया होता ये खुद लेना होता है, ठीक है, बिकॉज अपवर्ड्स, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ऊपर लेके जा रहे हैं इसके लिए नेगेटिव, ओके, ठीक है, ऊपर लेके जा रहे हैं इसके लिए नेगेटिव, ये याद रखो, ठीक है, तो जिन्होंने भी नेगेटिव आंसर दिया है वो सबका आंसर करेक्ट है, ओके, तो ये गिवन हो गया, टू फाइंड क्या ढूंढना है हमको, वर्क, ठीक है, अब फॉर्मूला, तो बताओ अगर एक रहेगा तो लिखते हैं फॉर्मूला, अगर बहुत सारे रहेंगे तो लिखते हैं फॉर्मूले, राइट, एक रहेगा तो फॉर्मूला, बहुत सारे रहेंगे तो फॉर्मूले, ओके, सो बताओ अभी तक कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगा सकता हूँ मैं, अभी तक कौन से फॉर्मूले देखे तुमने, कौन सा फॉर्मूला था, हाँ शाबाश, वेरी गुड, सही सोच रहे हो सब लोग, एक तो था डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फैशन स्ट्रीट एफ एस, ओके, सो कपड़े कपड़े ढूंढने में वहाँ पे बहुत मेहनत जाती है ना, बार्गेनिंग करने में बहुत मेहनत जाती है, तो एफ एस याद रखो, वर्क करना पड़ता है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, अच्छा अब दूसरा चीज कि वर्क का तो यही फॉर्मूला है, बट एस मेरे को पता है क्या, हाँ मेरे को पता है 10, एफ मेरे को पता है क्या, एफ मेरे को नहीं पता है, ओके, एफ मेरे को नहीं पता है, एस मेरे को पता है, एफ मेरे को नहीं पता है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जो एफ भी मिल जाए मेरे को, ओके, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एफ भी है और एम भी है, देखो एम है ना यहाँ पे मास, देखो 20 किलो दिया है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें एफ बी और एम बी है, हाँ वेरी गुड, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो हम लोग ये दोनों यूज करने वाले, ओके, हम लोग ये दोनों यूज करने वाले हैं, ठीक है, सो सॉल्यूशन, तो पहले क्या करना है, पहले हम लोग यूज करेंगे एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, और याद रहेगा कि ए के जगह तो जी आ जाता है, ओके, सो ए के जगह जी है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, एम क्या आएगा 20 kg, याद रखो मास तो हमेशा केजी में होना चाहिए, केजी में दिया है ऑलरेडी, अगर वहाँ पे ग्राम में दिया होता, मास अगर ग्राम में दिया होगा तो हम लोग उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ओके, जो हम लोग जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो एकदम स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, राइट, ऑलवेज फिजिक्स में हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में ही हम लोग बात करेंगे, कम ज़्यादा जो भी हो, ग्राम में हम लोग बात नहीं करते, हम किलोग्राम में बात करते हैं, हम लोग सेंटीमीटर में बात नहीं करते, किलोमीटर में भी हम लोग बात नहीं करते, हम लोग मीटर में बात करते हैं, राइट, टाइम हम लोग आवर्स में बात नहीं करते, मिनट में बात नहीं करते, हम लोग सेकेंड में ही बात करेंगे, फिक्स है,
राइट ठीक है, सो मास है 20 और जी के जगह पे क्या आने वाला है, -9.8। तो जरा मल्टीप्लाई करो इसको, मेरे को बताओ कितना आएगा आने वाला है। हाँ 98 इंटू 2 करोगे, ओके, तो तुमको मिलता है 196। ओके बट एक डेसिमल भी और एक जीरो भी है, सो 196 ही आने वाला है। ठीक है ओके, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, पता है ना एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है न्यूटन। फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन्स। ठीक है सो ये भी हम लोग ने हम लोग के पहले सेशन में बहुत सारा कुछ फिजिक्स के बारे में जाना था, तो ठीक है ओके। सो एफ मिल गया, अब एक बार एफ मिल गया तो एक एक तो अपना गोल हो गया। अब मेरे पास एस भी है और एफ भी है, ठीक है। सो अब मैं क्या यूज करूंगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, है ना, नाउ अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ क्या है, -196, एस क्या है, 10 मीटर। आंसर कितना आएगा, -1960। अच्छा वर्क है, वर्क वर्क किस में मेजर करते हैं, याद करो जरा, किसी को याद आ रहा है क्या, वर्क को किस में मेजर करते हैं, याद करो, हम लोग ने लास्ट टाइम भी किया था, वर्क को किस में मेजर करते हैं। वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, जरा पीछे अपने बुक पलटी करो फटाफट फटाफट देखो। शाबाश, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे, मजा आ गया। ओके 1960 जूल, राइट ठीक है। सो ये हो गया, वर्क नेगेटिव क्यों है, वर्क नेगेटिव क्यों है, बिकॉज वर्क इज नेगेटिव बिकॉज वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स। ओके वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अर्थ उसको नीचे खींच रही है, हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट, इसके लिए नेगेटिव आ रहा है। ओके ठीक है, सो फटाफट या तो नोट कर लो, स्नैपशॉट ले लो। मेरे को बताओ, एनर्जी तो बहुत सारे टाइप की रहती है, बराबर ना। ओके एनर्जी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, बट एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है। ओके एनर्जी अलग अलग टाइप की हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, लाइट हीट साउंड है ना, न्यूक्लियर केमिकल मैकेनिकल, ठीक है, जिससे कोई चीज़ मूव हो या मूव हो सके उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल। ओके मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की हो सकती है, एक होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल, एक होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, सो अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव हो रहा है, ठीक है, इट्स मूविंग, एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव हो रहा है, तो जब वो मूव हो रहा है तो हमको पता है कि उसमें कुछ तो भी एक एनर्जी आ गई, राइट, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर मूविंग है तो उसमें एनर्जी है, रुकी हुई है तो वो मरी हुई है, किसी काम का नहीं है, वो ख़त्म है, राइट ठीक है। सो सेम फिजिक्स का फंडा, लाइफ का फंडा, डिटो सेम होता है। अगर अगर तुम हो, ठीक है, तुम हो, ओके, तुम अपने घर में बैठे हो, तुम्हारी लाइफ चल रही है, कट रही है, ओके, सो इट्स नथिंग, यू डोंट हैव एनी गुड एनर्जी, नो यूज, यूजलेस, ओके। बट इफ यू आर मूविंग, यू आर डूइंग समथिंग, ओके, तेरे को एक पूरा आंसर नहीं आता है लेकिन तूने दो लाइन पढ़ा तो यू डिड समथिंग, यू आर मूविंग, ओके, सो तेरे में एक अलग एनर्जी आता है, एकदम खतरनाक, ओके। सो वैसे ही फिजिक्स में नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी सेम है, एक बुलेट है बाजू में रखा है तो किसी काम का नहीं है, बट बुलेट है और फेंका तो कुछ तो लगेगा, बुलेट और गन में डाल के शूट किया तो बहुत लगेगा, लग जाएगी, है ना, राइट ओके। सो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ओके
एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके याद रखो। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड, राइट। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तूने एक हाइट के ऊपर रख के रुका दिया, छोड़ दिया वहाँ पे, है ना, रख दिया उसको, तो उसके अंदर एक एनर्जी है। ओके उसको जैसे ही खिसका के अपन थोड़ा आगे करेंगे वो जब करके नीचे गिरेगा तो हमको लगेगी। ओके क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी था। ओके बट उसके अंदर स्टोर्ड था, राइट। एक स्प्रिंग, ओके हम लोग घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, राइट, ठीक है। उस स्प्रिंग जो है एकदम टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है, राइट, ठीक है। तो उसके अंदर एनर्जी है, और जब हम लोग वो चाबी निकाल देंगे, ओके, या तो स्क्रीन, वो जो स्प्रिंग है वो अनकॉइल होगा, राइट, ठीक है, तो काम करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा वो। ओके एक स्प्रिंग को ऐसे दबा के रखो दो उंगली और अपने अंगूठे के बीच में, और छोड़ो ऐसे पोंग करके ऊपर आएगा। ओके उसके अंदर ताकत था, जमा हो गया था, तो ऐसा वाला एनर्जी जो होता है वो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट, किस स्टेट में हो और किस पोजीशन में हो, ओके, मतलब हाइट, अगर हाइट पे हो तो। ओके स्पेसिफिक स्टेट मतलब चलो स्प्रिंग है और उसको तुम लोग ने ऐसे प्रेस कर दिया, तो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ स्प्रिंग है, स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। तो कैसा है या किस जगह पे है, ठीक है, उसके ऊपर अगर कुछ एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट, उसके पास एनर्जी है, ठीक है। डैम में पानी रखते हैं, उसके पास एनर्जी है, तो डैम का जैसे विंडो ओपन करेंगे पानी जप करके बहुत सारा पानी एक साथ नीचे उतरता है ना, राइट, बह जाते लोग उसमें। ओके डैम फूटता है तो सिटी का सिटी निकल जाता है। ओके तो उतना उसमें एनर्जी था, राइट, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी का दो टाइप, काइनेटिक और पोटेंशियल। ओके और इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे बाद में, राइट। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक, कैसे आया, क्या आया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हम लोग अगली बार करेंगे।